अगले कॉलर को जोड़ते हैं, विपिन हैं देहरादून से और इनके पास आईओसी के 1500 शेयर हैं 80 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की है। विवेक जरा बताएं, जरा विपिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। वैसे तो हमने आपका सवाल लिया है, और कुछ भी जानना चाहते हैं आप? लंबी अवधि का निवेश है या आप शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म में जी। हेलो जी जी, इसमें जो है आप 50% एग्जिट कर लें या कंटिन्यू रहने दें? ठीक है ठीक है, चलिए। इसका राइट इशू आना था, वो आ रहा है क्या? ठीक है ठीक है, विवेक जरा बताएं आईओसी में क्या करना चाहिए? लंबी अवधि के निवेशक हैं, 80 रुपए पे इन्होंने एंट्री लिया। देखिए, राइट्स इशू आएगा नहीं आएगा वो तो कंपनी बाद में बताएगी, लेकिन फंडामेंटली आप अगर देखो इसमें इशू ये है कि क्रूड उबाल पे है और आगे चल के क्रूड का क्या होगा ये भगवान ही बोले, मेरे को तो मालूम नहीं और किसी को भी नहीं मालूम है। कोई अगर बोल दे कि हाँ ऐसा ही होगा तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा, क्योंकि ये जो गाजा और इसराइल में हो रहा है इसके कारण क्रूड में कभी भी उछाल आ सकता है, डिप भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। तो स्टॉक देखिए फंडामेंटली आप अगर वैल्यूएशन वाइज देखो तो बहुत सस्ता है, लेकिन ये आपको मूवमेंट कभी नहीं देता है और ये जो रिस्क है जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत बड़ा एक फैक्टर है इस स्टॉक पे हावी हो सकता है आगे चल के, तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी। और सब कुछ अच्छे होते हुए भी मैं ऐसे स्टॉक को हाथ नहीं लगाऊंगा जहां पे फंडामेंटल्स के अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी देखने पड़ते हैं, तो अवॉइड ही करिए आप इसको, और अगर है भी तो निकल जाइए इससे। ओके, अवॉइड करने की सलाह, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो अभी चल रहा है, क्रूड ऑयल की दशा दिशा क्या होगी और ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, तो डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है। और क्रूड जिस तरह से वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है कि वॉर्स के सिनेरियो में $157 तक भी जा सकता है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो चौथी तिमाही में जो लेवल होगा क्रूड का, जो औसत लेवल होगा वो $90